तो हेलो गाइस, सेकंड पार्ट में अपन आ गए हैं माइनक्राफ्ट के। तो अपन मर गए थे, याद होगा, अपन विलेज के अंदर गए थे और मर गए थे। तो अपन को वापस से उस विलेज को ढूंढना होगा और उस विलेज में बहुत कुछ मिलेगा, ठीक है। तो ये मोटिव है आज अपनी पूरी वीडियो का, सारांश यही है। अपन कंटिन्यू में खेलेंगे। तो अपन को याद होगा, अपने पिछली वीडियो देखी हो तो अपन विलेज में मरे थे, तो अब विलेज में ही ढूंढ के और विलेज के आगे ही सब कुछ शुरुआत करेंगे। तो ठीक है, पहले खाने के इंतजाम कर लेते हैं, वाटरमेलन सब कुछ। और आप देख सकते हो ऊपर आपको दिख रहा होगा कि हेल्थ भी है और ऊपर कितना मैंने खाना खा रखा है वो है। तो देखो, आपको याद हो तो अगर स्टार्टिंग में अपन ने एक छेद करा था इधर रेत में अपनी पहचान के लिए, और देखो वो छेद ये रहा। तो मतलब अपन यहाँ से बिल्कुल सीधे सीधे गए थे, याद हो तो थोड़ा बहुत अगर आपको। तो अब अपन बिल्कुल सीधे सीधे जाएंगे, लेकिन ऐसे नहीं जाएंगे यार। अब अपन जाएंगे, बोट बनाएंगे, बोट बनाकर ही जाएंगे तो, वरना नहीं जाएंगे। क्योंकि मैंने सुना इसमें बोट का ऑप्शन भी था, मैंने देखा, मैंने बोला ना अब मैं ज़्यादा सीखूंगा, मैंने बहुत कुछ सीख लिया भाई। मतलब अब आप देखोगे कितना प्रोग्रेस हो गया, मतलब 2 दिन के अंदर ही, मतलब कुछ घंटों के अंदर इतना प्रोग्रेस। तो मतलब अब क्या करना है, पेड़ की जो पेड़ है तो उससे अपन को बनाना है। देखो, वुड की इकट्ठी करेंगे सबसे पहले अपन, सारी की सारी, बहुत सारी इकट्ठी कर लेते हैं अभी। थोड़ा धीरे धीरे लग रहा होगा आपको, लेकिन ये धीरे धीरे नहीं है भाई, अपन वाटरमेलन से काट लें। दो हो गई, ये 3 4 5 6 7 सात हो गई। अब यहाँ से काटेंगे भाई, इसकी भी रेंज होती है, इतनी रेंज में ही करता है ये काम। अब वो वाला नहीं कट रहा, देखो अभी रेंज के आसपास वाला ही कट रहा है। तो अपन एक बार इकट्ठी कर लें, क्योंकि उसके बाद अपन को ना बोट बनानी पड़ेगी, और बोट बनते ही ना अपन इतनी स्पीड के अंदर अपन विलेज में पहुँचेंगे। क्योंकि रास्ता तो अपन को याद हो ही गया फर्स्ट पार्ट में अपन ने जो खेला था, आप लोगों को भी याद हो जाएगा देखना धीरे धीरे। तो अपने पास हो गई भी 12 हो गई, और देख लेते हैं, वैसे 12 भी बहुत है अपने पास अब तो। ठीक है, तो अब चलते हैं अपन। देखो, और क्लियरिटी बिल्कुल यार हाई पे कर रखी है मैंने। तो अपन ने अब वुड तो इकट्ठी कर ली, तो अपन वुड कर ली तो अपन को क्या मोटिव था, बोट बनाने का। तो देखो बोट का देखते हैं सबसे पहले, बोट किस तरह बनती है। तो पहले 4 से तो ये बनाएंगे, लेकिन सबसे पहले अपन को क्या बनाना है, क्राफ्टिंग के लिए। तो क्राफ्टिंग के लिए होना चाहिए ना अपने पास, क्राफ्टिंग टेबल बननी चाहिए। तो क्राफ्टिंग टेबल के लिए देखो अपन बनाते हैं। अब अपन को जल्दी जल्दी आ गया, क्राफ्टिंग टेबल कैसे बनती है। 4 को एक एक में पार्टिसिपेट कर देंगे इस वुड ऑक वुड को, तो ये बन गई क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल अपन कलेक्ट करेंगे, और अब अपन देखते हैं इसमें बोर्ड। देखो ये लिखा हुआ है ना, देखो ये बोर्ड है, आप सेकेंड लाइन में देखो तो देखो लिखा है बोर्ड। तो बोर्ड के लिए सबसे पहले क्राफ्टिंग टेबल लगानी पड़ेगी अपन को। तो देखो क्राफ्टिंग टेबल अपन लगाते हैं अपन रेत के अंदर, तो देखो ये क्राफ्टिंग टेबल मैंने लगा दी। ठीक है, क्राफ्टिंग टेबल पे आप क्लिक करते हैं, और अब देखो बोट पे क्लिक करेंगे, और वो देखेंगे कि बोट के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए होती है। तो देखो अपने पास बोट के लिए ये चीज़ चाहिए, और ये चीज़ बन जाएगी किससे, वुड से ही बन जाएगी, ऑक वुड लॉग से। और वो जो ऊपर जो सोवेल आ रहा है वो अलग लकड़ी से बनता है, तो देखो वो भी बनाएंगे। तो अपन ने सबसे पहले ये ओक लॉक से ये चीज़ बना ली। अब अपन को देखो ये करना है, अच्छा ये अलग चीज़ बना ली अपन। अब देखो अपन बनाते हैं, देखो ये मैच हो रही है, ये ओक ओक लॉक था तो ओक वुड ही बनेगी, जंगल बोट नहीं बनेगी, क्योंकि जंगल वुड नहीं थी अपने पास। ठीक है, मतलब जंगल की लकड़ी नहीं थी अपने पास, ओक वुड थी। तो अब कौन सी बोट बनेगी, वो ये वाली बनेगी। तो अपन को सबसे पहले वो बनाना है उसके लिए। तो अपन को क्या बनाना है, क्लिक करेंगे तो नाम पता लगेगा, ये क्या होता है, वुडन सॉवल बनाना है। और वुडन सॉवल ही बन जाएगा क्योंकि अपने पास वुडन है। तो वुडन सॉवल देखते हैं, देखो अपन वुड के लिए, वुडन सॉवल के लिए अपन को 2 वुड बनानी पड़ेगी। तो 2 वुड देखो अभी बना देता हूँ, मेरे को आती है बनाना। बोला था ना यार, मतलब मेरा गेम थोड़ा दिन पे दिन अच्छा हो जाएगा, मैंने आपको पहले भी कहा था कि बढ़िया कर दूंगा। तो अब देखते जाओ किस तरह बनाते हैं ये। पहले तो इनको हटा देते हैं,
और इसमें एक मस्त चीज़ है, देखो आप सर्च भी कर सकते हो, जैसे मान लो आपको वुडन बनाना है और वुडन किस चीज़ से बनती है, ठीक है, तो आप सर्च कर लो इसमें से सारे आइटम सर्च करके देख लो आप, तो ये एरो भी मिलेंगे अपन को आगे चल के। तो वुडन बनानी है तो वुडन के लिए देखो ये मैंने करा, देख लो चार चीज़ मिल गई, और चार चीज़ को अपन लगा देंगे ना ये वाली चीज़, और इसके नीचे एक और लगा देंगे तो ये बन गया वुडन। कितने चाहिए थे? चार चाहिए थे, चार बहुत हैं। अब अपन को बोट बनानी है तो बोट के लिए अपने पास वुड भी आ गई और लकड़ी भी आ गई, तो बोट के लिए अपन जाएंगे। सावल भी आ गया अपने पास, तो देखो ये लो ये सावल बन गया अपने पास, वुडन सावल। पहले वुड बनाई फिर वुडन सावल बनाया। बस भाई अब मैं समझ गया इस गेम का क्या ही कॉन्सेप्ट है, इसमें अपन को चीज़ें इकट्ठी करनी है और उन चीज़ों से वो चीज़ बनानी है। जैसे मान लो शुगर कैन मिल गई तो उससे शुगर मिलेगी, बस यही कॉन्सेप्ट है। ये लो अब अपने पास वुड वुड ऑक वुड बन गई, ऑक बोट बन गई। तो बस यार अब तो अपन घूमेंगे नदी के अंदर, आए हाय मज़ा आ जाएगा भाई। तो अब यार पहला एक्सपीरियंस रहेगा ये बोट चलाने का, तो आओ यार बोट चलाते हैं और फिर विलेज में तबाही मचा देंगे अपन, सही बता रहा हूँ मैं। बोट लगा दी मैंने, बैठते हैं बोट में और चलो यार अब तबाही मचाने। ये देखो दो एरो के क्या है, दो एरो एक साथ में दबा देना तो बिल्कुल सीधी चलती है ये है मेरे हिसाब से इसका कॉन्सेप्ट। एक एरो दबाओगे तो साइड में चलेगी। पहले बोट को सीधी कर लेते हैं अपन, किस तरह सीधी है बोट, इस तरह नहीं है सीधी, नहीं ऐसे नहीं है सीधी। सीधी गलत कर दिया अपन ने, सीधी हाँ ये ऐसे है सीधी, ठीक है। अब देखना स्पीड भाई बोट की, देख लो स्पीड तैर के कितने धीरे चलते हैं, लेकिन अब बोट से कितनी स्पीड हो गई अपने पास। मतलब यार GTA San Andreas की फीलिंग दिला रहा है ये गेम, उसमें भी हम बोट उसमें तो अपन को मिल जाती है, लेकिन सब ने खुद ने अपनी मेहनत से बनाई है बोट। और पहले भी अपन पानी में तैरे गए थे फर्स्ट पार्ट में, तो वो क्या होता है रात हो गई थी जब तक, तो लेकिन अब देखना अपन तो जल्दी पहुँच जाएंगे। अगर याद हो फर्स्ट पार्ट में ऐसे पानी आया था, अगर आपने देखी हो मेरी वीडियो तो पार्ट फर्स्ट में। तो बस चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो चलते रहो और चलते ही रहो जब तक कुछ किनारा ना आ जाए, उसके बाद किनारा आएगा। तो किनारे के बाद अगर अपन को इतना मज़ा आएगा भाई, मतलब अगर वो विलेज का रास्ता मुझे तो सही लग रहा है, गलत हो उसकी बात की बात है, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है ये यही रास्ता था। तो यहाँ पर बोट को छोड़ देते हैं और बोट को तोड़ते हैं एक बार। ये तो बैठ गया यार बोट में, तोड़ना, टूट 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 जा, अरे टूट जा रे, टूट ही नहीं रही यार, बार बार बैठ जाते हैं इसमें। रुको अब तोड़ेंगे, अब तोड़ के रहेंगे इसको, टूट के नहीं रही इसको, तोड़ के रहेंगे हम। और टूट गए भाई, बोट उठा लिया अपन ने, बोट अपने पास रखते हैं यार, पानी में वापिस चलेंगे ना। फिर अपन ने एक पहाड़ छड़े थे मुझे याद है, और उसके बाद एक और शायद पानी आएगा जहाँ तक मुझे याद है, अपन ने ऐसे ही कॉन्सेप्ट था अपना पिछली बार भी। तो बस यार ये पहाड़ छड़ गए अपन, अब पहाड़ छड़ गए तो उसके बाद देखो पानी आ गया ना, ये पहले भी आया था ऐसे ही पानी। तो अब इधर नाव का यूज़ करेंगे थोड़ा देर, एक बार मैं डायरेक्शन देख लूँ, यही डायरेक्शन थी क्या? हाँ भाई यही डायरेक्शन थी, ऐसी ही नहर जा रही थी, मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं अपन। बोट रख ली और बोट चलाएंगे स्पीड में भाई, बोट यार मस्त है, मतलब कंट्रोल ही बहुत प्यारे हैं बोट के, और स्पीड सबसे ज़्यादा है बोट की, आपको मज़ा आ जाएगा बोट चलाने में। ठीक है भाई, ये वाइट वाइट से पत्थर आ गया ना, देखो ये गाय, मतलब विलेज पास में ये जो गाय आने लग गई, और मतलब पालतू जानवर आने लग गए, देखो ऊपर देखो आपको वो दिख रहे हैं, गाय भैंस बकरी आने लग गई, मुर्गी आने लग गए, मुर्गी आने लग गई, तो मतलब घोड़ा घोड़ी, मतलब अब आपको लग रहा होगा कि अब बिल्कुल नज़दीक है पहाड़ अपना, वो अपना विलेज। तो भी इसको नाव को वापस तोड़ देते हैं अपन, ठीक है, नाव को उठा लिया अपन ने, चलते हैं भाई।
अब आने वाला है, मेलन रख लेते हैं अपने पास। अगर आपको दिख रहा हो तो देखो बिल्कुल पीछे की तरफ देखो, देखो घर दिख रहा, अपन बिल्कुल सही जगह है। अगर मेरी तरह अगर आप देख पा रहे हो तो देखो, बिल्कुल आपको दिख रहा हो तो वो देखो घर दिख रहा होगा बिल्कुल। एक ये पिगी आ गए, इसको मारे, चलो मारेंगे बाद में, अभी क्या रात होने वाली है, जल्दी चलते हैं। मैंने वो पढ़ा था, जब अपन ने पढ़ा था ना कि बेड हो अपने पास तो अपन वहाँ पर ही पैदा हो जाते हैं वापस, और अपनी के जो रात होती है ना वो जल्दी से बीत जाती है। तो अब क्या अपन कुछ भी मशक्कत नहीं करेंगे, अब सारी चीज़ें अपन चोरेंगे भाई विलेज से, ए टू जेड चोरेंगे, और आज बहुत कुछ सीखेंगे। पहले ही घर में चल जाते हैं जल्दी से, रात होने वाली है। ये खोला गेट और ये गए अपन बेड के अंदर। अब देखो इसमें सो भी गए, सो गए, लीव बेड, ये सो गए। और भाई जब जगेंगे तो क्या हो जाएगी, सुबह, मॉर्निंग, कुकड़ुकू। अब देखो इसमें अपन बेड भी तोड़ सकते हैं, देखो बेड तोड़ दे और अपने पास रखेंगे बेड को, और ये देखो इस चीज़ को भी तोड़ सकते हैं और इसको खोल भी सकते हैं, देखो खोल भी सकते हैं। और इन चेस्ट में देखो क्या क्या रखा है, चेस्ट में अपन चीज़ें अपनी रख भी सकते हैं, और इन्वेंट्री में अपने पास होती है एक्चुअल में, या इन्वेंट्री अपने पास अपनी स्पेस है, और चेस्ट है, चेस्ट के अंदर अपनी सामान जो भी चीज़ें अपन रख सकते हैं। देखो तो अपन को एक चीज़ पता लगेगा कि इसको भी तोड़ सकते हैं अपन। तो भाई चेस्ट आ गया अपने पास, चलते हैं बाहर। और ग्राफिक्स यार मैंने बिल्कुल अच्छी क्वालिटी में करें कि चौकोर चौकोर से ना, तो आपको भी बढ़िया लगेंगे, क्वालिटी बेस्ट करी है मैंने इस बार। अब देखो बेड बाहर रख के आपको पढ़ाता हूँ मैं, देखो लिखा हुआ था ना वो तो घर भी तोड़ सकते हैं अपन, लेकिन अब घर अपना यही वाला है, और इतने सारे घर हैं तो अब देखो कितना ही लूटेंगे अपन, मज़ा ही आ जाएगा अब तो लूटने में। और ये अपनी इन्वेंटरी है भाई, बिल्कुल नीचे जो बॉक्स दिख रहा है ना, देखो ये इन्वेंटरी है अपनी, इसमें अपने बेड रख लिया और बेड को देखो यहाँ लगा दिया और तोड़ दिया। अब गेट भी तोड़ के देखते हैं एक बार, किस घर का गेट टूट जाएगा क्या। लोग गए हैं, मतलब भाई सब चीज़ टूट सकती है यार, तोड़ना चाहें तो। अपन देखते हैं बेड क्यों फिट नहीं हो रहा, हो जा भाई, अरे बेड हो जा फिट, ओ बेड यार थोड़ा टाइम लगता है यार हर चीज़ सीखने में, देखते हैं क्यों नहीं हो रहा। देखो बाहर तो हो जाता है यार बेड फिट। ये तो क्या लिखा है, रिसोन पॉइंट सेट, यू कैन ओनली स्लीप एट नाइट, रात को ही सो सकते हैं, और यहाँ पर ही अपन मरने के बाद यहीं पैदा हो जाएंगे वापस से। तो चलो ये बढ़िया चीज़ हो गई यार, विलेज से अब अपन ना आगे की शुरुआत करेंगे, अच्छी शुरुआत रही है अपनी विलेज की साइड से। पार्ट टू में अपन ने बहुत कुछ यार अचीव कर लिया, देखो बोट बनाना सीख गए, और चेस्ट पता लग गया, ओक डोर क्या होता है, वुडन डोर क्या होता है, क्राफ्ट क्या होता है, क्राफ्टिंग बोर्ड क्या होती है, अब चीज़ें चीज़ें याद आ रही है, नाम याद आने लग गया। देखो गेट तोड़ दिया अपने, याद हो तो अब गेट लगाऊंगा मैं, देखो। और इसमें ये चीज़ है, अब गेट उल्टा भी लगा दो तो उल्टा भी खुलेगा, देखो अभी देखो उल्टा लगा के देखते हैं एक बार गेट को, वो देखो लग गया, और कैसे लगा यार ये, लग तो गया भाई एक बार मेरे को, लेकिन अलग लग रहा है थोड़ा गेट, देखना अंदर जाके चेक करता हूँ। हाँ देखो अलग लगा है ना गेट, थोड़ा उल्टा लग गया गेट, वापिस से तोड़ते हैं और गेट को सही लगाते हैं, अब तो आगे लगाना। टूट गया गेट आखिरकार, अब गेट को लगाते हैं सही जगह। तो ये लगाया अपने गेट को सही जगह, लग गया गेट इस बार, अब समझ में आ गया गेट किस तरह लगता है भाई। चलो गेट का पता लग गया, मतलब सब चीज़ तोड़ सकते हैं मन यार ये माइनक्राफ्ट के अंदर, ये चीज़ तो पक्का हो गई अपने। एक चीज़ और ये पता लग गई, तो मतलब बेड के लिए स्पेस नहीं था अपने पास, अब ये भी चीज़ समझ में आ गई मुझे शायद, तो देखो दो ब्लॉक छोड़ के लगाना पड़ेगा। देखो एक ब्लॉक छोड़ा तो वो चीज़ चली गई उधर, क्यों नहीं लग रहा है, दो ब्लॉक छोड़ दिए,
छोड़ तो दिए थे यार, दो लोड लग कैसे नहीं रहा, लगना तो चाहिए। देखो वापस से देखो, अब देखते कोशिश तो कर रहे हैं। पहला ब्लॉक, दूसरा ब्लॉक, बाहर लग जाता है यार, क्या बात है यार, बाहर लग जाता है, अंदर क्यों नहीं लगता यार। एक बार वापस से कोशिश करते हैं अंदर लगाने की, अगर लग जाए तो। देखो अच्छा ये ब्लॉक गिन रहे हैं ना, चलो रुको एक बार ब्लॉक के हिसाब से लगाता हूँ मैं। हाँ यार ये चीज़ लग रही है तो ब्लॉक क्यों नहीं लग रहा यार, ब्लॉक चीज़ भी लगनी चाहिए, जो ओक लॉक लग सकता है तो ब्लॉक क्यों नहीं लग रहा। चलो अभी कोशिश करते हैं, मैं इसको काट दें एक बार, मतलब चीज़ें रख सकते हैं भाई अंदर, घर के अंदर तो ब्लॉक भी रखते हैं। एक सेकेंड, ये चीज़ उठाई मैंने, ठीक है। अरे यार आ गया, आप समझ में आ गया भाई, वो जगह छोड़नी पड़ती है कोने की तरफ से, ठीक है। वापिस तोड़ के एक बार उधर लगाता हूँ मैं, देखो अब आ गया, थोड़ा बहुत समझ में आ गया मुझे ऐसा लगता है। एक बार मैं तोड़ दूँ उसको, देखो वापस कोशिश करता हूँ लगाने की कोने कोने में। उसको लगाते हैं, देखो क्या है मतलब कॉन्सेप्ट। देखो इधर आए, पहला ब्लॉक छोड़ा, दूसरा ब्लॉक पे देखना, पहले ब्लॉक छोड़ के अब दूसरे पे कर दो एरो को, ऐसे नहीं मतलब। देखो इधर खड़े हुए अपन, पीछे आएंगे थोड़ा सा, पीछे आते हैं, हाँ देख लो, मतलब अपन कोने में भी लगा सकते हैं, अब बिल्कुल साइड में हो जाएंगे। एक बार दीवार के चिपक जाते हैं, और दूसरे ब्लॉक पे, ये दूसरे ब्लॉक पे अपन दबाएंगे। देखो अब आगे ना लगाना यार, यही तो यार, धीरे धीरे सब चीज़ सीख जाएंगे इस तरह, माइनक्राफ्ट में बहुत ज़्यादा आगे तक जाएंगे भाई इस तरह तो अपन लोग। तो अब सारा सामान रख देते हैं, चेस्ट वेस्ट भी रख देते हैं इधर अपन कोने की तरफ, ये चेस्ट रख दिया अपना, चेस्ट में अपना सामान रख देते हैं इसमें। तो देखो खाने का सामान तो अपने पास ही रखते हैं यार वैसे, मतलब बहुत कुछ मिलेगा यार इस गेम के अंदर, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा चीज़ें, समझ रहे हो, बहुत कुछ मिलेगा देखना इस गेम के अंदर अपन को। और यार अगर आपको अच्छा लग रहा है, अपने स्टार्टिंग से स्टार्ट करा तो यार लाइक मारना, सब्सक्राइब मारना चैनल को, तो मतलब उन्हें, और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। अब देखो इतने सारे घर हैं और वो अपने घर हैं, मतलब इन घरों में अपन लूट मचाएंगे भाई, मतलब चोरों की तरह, लेकिन ये तो फॉर्मर नहीं है कहीं भी। ओहो ये पानी वाला घर है क्या, क्या है भाई, और ये भी टूट जाएगा, और ये क्या गाजर इतनी सारी। ओहो और एक और बेड मिल गया भाई, चलो ये बढ़िया हुआ यार, एक और बेड मिल गया। और चेस्ट में ओहो खाने का सामान, जैकपॉट, अमरूद, अमरूद, टमाटर, गाजर, आलू, सेब, आए हाय वैसा मजा आ गया भाई, मतलब यार इतना सब कुछ मिल गया तो मतलब आए हाय। चेस्ट भी अपन को दो स्टोरेज हो गई और बेड भी दो हो गए, तो एक बेड तो अपन कहीं भी चलेंगे ना उस तरह उस समय सोले करेंगे, मतलब रात होने नहीं दे करेंगे अपन। अब ये चीज़ तो अपनी पक्की हो गई, और ये देखो लाइटें भी ले लेते हैं कभी अपन अंदर जाएंगे तो, और एक चेस्ट भी रख लेते हैं अपने पास इन्वेंट्री में। तो एक बेड अपने पास रखते हैं अपन अपने पास, जिससे समझ लो ना रात हो कहीं भी और अपन दूर हो तो उसी वक्त सो जाएं और वापस से आ जाएं घर पे। मतलब इस गेम में ये अपन ने जो भी चीज़ छेड़ी होगी ना वो वैसी की वैसी रहेगी यार। ये लाइट ले ली, ये लाइट ले ली, अच्छा वो गाजर तो खाएं यार, गाजर खाती वो बहुत सारी थी इस साइड, ये रही। अबे तो गड्ढे में आ गए अपन यार, कैसे निकले इसमें से, ये तो अंदर जा रहा है भाई गुफा, इसमें तो नहीं जाएंगे अभी अपन। बेस्किट, ओ अरे ये क्या हुआ यार, तो पानी आ गया यार, ये तो नई चीज आई भाई, पानी ही आ गया इसमें तो, अपन तो छोड़ नहीं पा रहा, तो यार ये तो कुछ गलत हो गया यार,
तो बहुत ही गलत सीन हो गया भाई। लोग जैसे अपन छेद कर देंगे तो पानी आता रहेगा हर जगह से। तो यार ये तो हर जगह पानी हो गया भाई, पानी पानी हो गया। तो कोई इधर देखते हैं, इधर इधर से तोड़ने से इधर पानी आ जाएगा। ओ ले ये देखो भर गया पानी, ये फंस गया। मतलब यार अपन को बाहर कैसे निकले यार, यहाँ फंस गए भाई लोग। वो वुडन को पकड़ के निकलते हैं। रुको एक बार मैं कोशिश करता हूँ वो चीज़ अगर मैं पकड़ लूँ ना तो वो दिख रहा हो आपको घूमता हुआ। चलो ये मैंने कलेक्ट कर लिया, इससे मैं क्या वो मतलब सीढ़ियों की तरह बना के ऊपर जा पाऊँगा। तो एक बार जगह रख पाँव रखने की जगह आ जाए, जैसे मैं इस पर अगर चढ़ गया ना एक बार हरे वाले पे तो मैं बाहर निकल सकता हूँ शायद। कोशिश करते हैं भाई लगातार। चलो चढ़ गए, अब देखो अपन बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। पहले इसको तोड़ के देखते हैं, देखो पानी आ जाता है। अरे यार भर जाता है पानी, ऐसे तो बिल्कुल अंदर तक भर सकता है पानी। और वो अपनी वो लकड़ी डूब गई, ये कोई बात नहीं, मेरे पास बहुत सारी लकड़ी है अभी। तो अपन कूद के लो देखो चढ़ गए। और ये गाजर ही गाजर अपनी भाई लूट खाते हैं, ये लूट लेते हैं सारी गाजर वो। और ये पानी शायद इनफिनाइट पानी है यार, ये ख़त्म नहीं होगा पानी मुझे ऐसा लगता है। अब खाना भी बहुत हो गया अपने पास भाई लोग। खाना भी हो गया बहुत सारा, और अभी तो अपने कोई से घर भी नहीं लूटे और रात भी होने वाली है। तो रात के लिए तो अभी करेंगे पहले बेड लगाएंगे और सो जाएंगे। ये देखो मैंने खाता ना, ये सीन ज़्यादा अच्छा है। मतलब रात होगी तो रात होने नहीं देंगे, अब बेड तोड़ते हैं इसी जगह। और एक बार इधर छेद करके देखें ज़रा पानी इधर भी आ जाएगा क्या। एयरटेल के सिम के मैसेज आते रहते हैं यार, तो ये क्या चीज़ है भाई ये, वो पता नहीं अभी देखेंगे पढ़ेंगे इसके बारे में। ये बीज मिल गया अपन को, तो वाटरमेलन के बीज लगाएंगे अपन को, उनको खाने की जरूरत है ना। अच्छा इधर छेद करते हैं तो अरे तो अभी पानी आ जाता है यार। मतलब ये तो पानी इनफिनाइट पानी है यार, ये ज़्यादा छेद नहीं करेंगे वरना अपन फिर अपनी ज़मीन गीली जी मिट्टी पे कहाँ से उगाएंगे, फिर अपना सामान उगाना ना अपन को। तो देखो अपने पास बीज ये रहे 40 बीज है अपने पास, ये है बीट रूट सीड है, तो सीड लगा देते हैं चलो अपन हर जगह। देखो बीट रूट सीड नाम पढ़ा ना मैंने, बीट रूट सीड है, हर जगह लगा देते हैं इसको पूरे एरिया पे। एक बार कवर कर दें अपन, फिर आगे घर पे लूटेंगे। लग गए भाई बहुत सारे लगा लिए, मतलब खाने का इंतजाम तो हो गया अपना। अरे वो तोड़ेंगे नहीं यार, तोड़ेंगे तो अपने लिए घाटा है। देखो गीली मिट्टी पे लगता है इसे पेड़, इसमें लग रहे हैं। और ये थोड़ी सूखी है इस पर लग रहे हैं, और इसको खोदना पड़ेगा जब ही लगेंगे। तो अभी इसमें टाइम इतना है नहीं, तो अपन इस पर लगा के अब दूसरे घर में लूटने के लिए चलते हैं। तो मतलब यार 2 दिन के हिसाब से तो अपने एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, अपन ने बहुत कुछ सीख लिया मुझे ऐसा लगता है। अब अपन को क्या चीज़ बनानी है, अब अपन को देखो क्राफ्टिंग करते हैं कुछ ना कुछ। उसके लिए अपने पास क्राफ्टिंग टेबल होना चाहिए, और क्राफ्टिंग टेबल अपने पास ट्रेजर में या अपने पास शायद लेबोरेटरी में होगी, तो वो भी अब बना लेंगे। मेलन सीड हो गए, मेलन सीड भी लगा सकते हैं बहुत सारे, वीट भी उगा सकते हैं, और फ्राइड डाई नहीं रेड डाई था, ये रेड डाई क्राफ्टिंग के लिए। अब देखो यार क्या एरो आयरन एक्स क्या क्या यार अट्रम्स अट्रम्स सामान है, धीरे धीरे देखना सारी चीज़ अपन को पता लग जाएगी। तो अपन चलते हैं अब दूसरे मकान में लूटने की तरफ। ये मकान अपन नहीं गए थे, ये तो भाई मस्त लग रहा है ना मकान, मस्त बना हुआ है इसमें, तो मजबूती है इस मकान में। ये क्या चीज़ है भाई, ये तो शायद ओवन लग रहा है यार, फर्नेंस से क्या है भी पढ़ेंगे इसका नाम भी।
फंडेंस जैसा लग रहा है, तो तोड़ के पता लगेगा क्या नाम है क्या चीज़ है। और देखो लावा है, वो लाल लाल सा चमक रहा है जो, ये देखो दिखा लाल लाल सा लावा। छोड़ो यार, एक हो गया ना, इसमें टाइम बड़ा लग रहा है, स्टिक से भी बहुत धीरे धीरे होता है। टाइम लग रहा है, छोड़ो 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 छोड़ो। अंदर चलते हैं, लेकिन लावा तोड़ के चले, एक बार लावा गिरता ही नहीं गिरता, ये चीज़ तो देखें, लावा से जल जाते हैं अपन यार। चलो आगे तोड़ दें पहले एक बार, वो देख लेते हैं चेस्ट। ओहो भाई, जैकपॉट, आयरन सोर्ड मिल गई, मतलब कुछ भी नहीं, मतलब अपने पास मतलब सब कुछ हो गया यार। आयरन के जूते, आयरन की सोर्ड, मतलब अब तो अपन अंदर भी बात कर सकते हैं। आयरन ही आयरन मिल गया यहाँ पर, आयरन इग्नोट। अब अपन सबको एक जगह कलेक्ट कर लेते हैं सिमिलर चीज़ों को, जिससे अपने पास अपनी इन्वेंट्री में जगह हो जाएगी। अब अपने पास खाना भी बहुत सारा है, जिसमें भूख भी नहीं लगेगी अपन को। एक जगह कर लेते हैं इन सब चीज़ों को, मज़ा आएगा भाई। वीडियो थोड़ी बड़ी बन रही है, लेकिन यार इस बार अपन ने एक्सप्लोर बहुत कुछ करा है, मज़ा आ जाएगा भाई। एक्सप्लोरिंग चीज़ बहुत ज़्यादा हुई है इस बार। आयरन सोर्ड हो गई, और आयरन सोर्ड का यही है, देखो इसकी एनर्जी भी जाती है आयरन सोर्ड की। देखो ये हरा हरा होने लग गया ना। चलो अब चलते हैं बाहर, और ये चीज़ का देखो क्या चीज़ है, ये चीज़ है, किसको खोलते हैं एक बार। देखो रिपेयर एंड डिस्टेंट, डिस्टेंट मतलब रिपेयर कर देगा यार ये। देखो रिपेयर कर दिया आयरन सोर्ड को, फिर से पूरी बना दी हेल्थ वाली, ये चीज़ है ये। अब इसको तोड़ के अपने पास रखेंगे, इतनी बढ़िया चीज़ को तो इसको नहीं छोड़ सकते अपन। बोल ले तो तोड़ के गायब हो गई यार, ये क्या हुआ भाई, शायद टूट जाती होगी इसको। चलो बना लेंगे, अपने बहुत कुछ है यार, आज तो अपने एक्सप्लोर इतना कर लिया, इतना सब कुछ है अपने पास, अब तो भैया मतलब किसी की भी ज़रूरत नहीं है, सही बताऊँ तो। और इतनी मतलब एक तलवार तो मिल गई उनको आयरन वाली, अब दूसरी मिलेगी बाद में देखेंगे। एक बार अपन देखते हैं लावा गिरता नहीं गिरता, कूद गए अपन, अब छड़ के इधर से देखते हैं एक बार। देखो देखो भाई लावा गिर गया यार, हर चीज़ इन्होंने चौकोर चौकोर डाल रखी है यार, गेम तो मस्त है, मतलब हर चीज़ चौकोर ही चौकोर में। माइनक्राफ्ट मतलब मज़ा आ गया गेम खेल के भाई। और ये देखो पिगी, इसको भी मार सकते हैं वैसे अपन लोग। और ये देखो कोयला लग रहा है यार, कोयला, लेकिन ये धीरे धीरे टूट रहा है, तो इसके लिए अपन बनाएंगे अब एक्स पिकैक्स। पिकैक्स अब हमने फर्स्ट पार्ट में पढ़ा था, अगर याद हो तो आपको। पहले अपन ने लकड़ी का बनाया था, लेकिन अपने पास अब आयरन है, तो शायद अपन आयरन का बनाते हैं पिक्स। आयरन इंगोट है अपने पास, तो आयरन इंगोट से अपन बना सकते हैं पिक एक्स, तो पिक एक्स बनाते हैं। तो पहले इन्वेंटरी में लेते हैं अपने पास जो था, क्या बोलते हैं, क्राफ्टिंग टेबल। क्राफ्टिंग टेबल ली, क्राफ्टिंग टेबल को अपन रखते हैं, इसको दबाते हैं। अब अपन करते हैं आयरन एक्स, नहीं वुडन एक्स भी नहीं, वुडन एक्स नहीं, अपन को बनाना है आयरन पिक एक्स बन गया आयरन पिक एक्स। और इसमें स्पीड बहुत तेज होती है भाई आयरन पिक एक्स की, अब देखना आप स्पीड, अब देखो कितनी धीरे टूट रहा था, अब देखो देखिए स्पीड, पहले कितना धीरे टूट रहा था, और अब देखो। अगर उनको कोल मिल जाएगा जिससे अपन ओवन में अपना खाना है ना फ्राइड कर सकते हैं, इस पिकी को मार के वो दिखाऊंगा मैं उस चीज़ भी। देखो जो अपन ब्लैक ब्लैक है ना, इसको मारने में काला काला सा मिलेगा, देखो मिले ना काला काला सा, यही थी ये ओवन में काम में आई अपने पीकी, बीच बीच में आ रहा है, इसको ही मार देंगे पहले। साला पीका यार, लो इसको मार देते हैं, ससुरे को मार दिया भाई इसको, पीकू गया।
पिकेक्स में यही है, देखो ब्लैक ब्लैक बहुत सारे कोल हैं शायद, ये अपने शायद ये ओवन जो होगा ना अपने पास, फर्नेंस, फर्नेंस में काम आएंगे चीज़ें। अब यार पिकेक्स देखो क्या मस्त चला है, अगर अपने पास वो रिपेयरिंग वाली चीज़ होती ना, कोई भी चीज़ कहीं भी नहीं टूटती, और अपने पास सूट भी आ गया, तो मतलब अगर अपना अगली वीडियो के अंदर अगर ये ज़्यादा बड़ी बन गई, तो अगली वीडियो के अंदर अपन है ना माइनिंग कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अपने घर में चलते हैं, पहले एक दूसरा घर भी देखेंगे, बहुत सारे घर विजिट भी करने हैं अभी अपन को अगली वीडियो में, लोगों ने क्या रख रखा है। ये देखो टाइल्स है इस लौंडे के पास, तो ये चीज़ भी ले लेते हैं इससे। अरे यार विलेजर्स नहीं दिख रहे, क्या बात है, विलेजर्स होते तो वो हमला कर देते अपन पे, ये शायद नहीं करते, मुझे पता नहीं पिछली बार तो कर दिया था। अरे यार लेकिन चलो अपना तो काम हो ही रहा है, विलेजर्स हो नहीं हो। देखो ईट भी है, सब कुछ है भाई, मतलब यहाँ पर ईट काम में आएगी बहुत ज़्यादा, अपने काम में बहुत चीज़ आएगी। अब अपने घर चलते हैं वापस से, जो अपना पुराना वाला रूम था उसमें जाके सामान रख देते हैं आज का, जितना भी अपन ने इकट्ठा करा है। फूल इसके पास क्या है, इसके पास भी बेड है, सो सकते हैं वैसे, लेकिन अभी रात हुई नहीं, तो रात होगी तो अपन जब तक उधर चल जाते हैं। तो मतलब यार बहुत मतलब इंटरेस्टिंग गेम है मेरे यार, मैं तो इतना बढ़िया लग रहा है ये चीज़, रात भर ही खेलते रहो उसको। भाई अपने वही पहले वाले रूम में चलते हैं, जो अपन को याद हो तो पानी वाली जगह थी, और अपना पहला ही रूम है फर्स्ट वाले रूम, वहाँ चलते हैं, सारा सामान रख देते हैं। और आज के लिए अपन ने बहुत कुछ कर लिया मेरे हिसाब से, तो भाई ये तो अपना रूम गेट कर देते हैं बंद, और अब सामान देखते हैं भाई क्या क्या है अपने पास। देखो इन्वेंट्री में तो इतना है अपना, ये अपनी इन्वेंट्री है, जिससे अपन बहुत कुछ बना सकते हैं, दुनिया भर के अटम सटम चीज़ें बना सकते हैं अपन। लेकिन अभी भी अपन ऐसा नहीं खेंगे कि अपन बहुत माहिर हो गए, अभी तो अपन को और बहुत रिसर्च करनी है इसमें कि क्या क्या चीज़ बनती है। अभी मैंने सुना है वो एक डोर बनता है ऑटोमेटिक चलने वाला डोर, मतलब अपन बटन दबाएंगे और उससे अपना डोर ओपन हो जाएगा, अभी लिखा हुआ था शायद वो बटन कुछ, तो उस चीज़ को भी देखेंगे। और इसमें चीज़ सर्च भी कर सकते हैं अपन, सर्च करके देखते हैं, रुको एक बार बटन के हिसाब से। लिख ही लेते हैं यार, अपन को ऐसा मिलेगा नहीं, ये तो पिंक डाई पता नहीं क्या क्या चीज़ होती है। और कभी ना कभी अगर अपन गोल्ड भी करेंगे ना माइनिंग, तो गोल्ड की तलवार ज़रूर बनाएंगे, गोल्ड की और डायमंड की वुड बनाएंगे, वुड नहीं स्कॉट बनाएंगे, स्कॉट शॉट जिससे तलवार होती है। और देखो बटन लिखते हैं, और बटन बटन से नहीं रहा, डोर बटन लिखते हैं। देखो आ गया, ये आ गया ना ट्रैप डोर, स्प्रूस ट्रैप डोर, तो इससे तो अपन बना सकते हैं क्योंकि अपने पास ऊपर वुड है, तो मतलब ना सब कुछ हो चुका है। और यार अब बस एंड करते हैं यार, 35 मिनट बहुत ज़्यादा हो गए, रात भी हो गई, अब अगले पार्ट के अंदर अपन इसके आगे से करेंगे, क्योंकि गेम तो हो जाता है सेव, सेव हो जाता है, तो आप जितने अपन माइनिंग भी करेंगे और बहुत कुछ करेंगे। अब आज के लिए इतना ही, अच्छी लगे तो लाइक मारना, सब्सक्राइब मारना, और लव यू गाइज, लव यू।